नमस्कार दोस्तों। तोप नामक कविता जो कि वीरेन डंगवाल जी की है, जो कि आपकी स्पर्श नामक पाठ्यपुस्तक क्लास 10th में लगी हुई है, जो कि आज आपका 7th चैप्टर है। तो तोप नामक कविता को पढ़ने से पहले हम जानते हैं इस कविता के बारे में सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद जानेंगे हम विभिन्न शब्दार्थों को। तो प्रतीक और धरोहर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रतीक और धरोहर। प्रतीक और धरोहर दो किस्म हुआ करती हैं, और एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में हम जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, अर्थात ज्ञान होता है कह सकते हैं। और एक होता है, और दूसरी ओर वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ा था। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत भी किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए तो कुछ तोपें भी तैयार की, और उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जाबाजों अर्थात जवान जो थे, जाबाज अर्थात बहादुर सिपाही जिन्हें कह सकते हैं, को मौत के घाट उतारा। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया, और फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में और कोई ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए, अर्थात टिकने न पाए, जिसके इरादे नेक न हों, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जैसे काम में इस पाठ की तोप आ रही है। तो आइए चलते हैं शब्दार्थों को, जैसे कि आपको पढ़ने में क्या है बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सॉल्यूशन या क्वेश्चन आंसर्स डालेंगे, जिससे कि पढ़ करके आप क्या है अच्छी प्रकार से पाठ को लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है मुहाने। मुहाने मीन्स क्या होता है प्रवेश द्वार। मुहाने मीन्स क्या होता है प्रवेश द्वार। धर रखी में से होता है रखी गई। वहीं संभाल, संभाल का मतलब होता है संभालना या देखभाल करना। वहीं विरासत, विरासत मीन्स होता है पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं होती हैं विरासत, अर्थात विरासत में मिली होती हैं जो प्राचीनकालीन जो वस्तुएं होती हैं उन्हें जब धरोहर के रूप में रखा जाता है तो वो पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त तो वस्तुएं होती हैं। वहीं सैलानी, सैलानी में से दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री होते हैं। सूरमाओं ये वीर होते हैं, क्या होते हैं वीर पुरुष। वहीं दज्जे में चिथड़े चिथड़े कर देना, दज्जी उड़ा देना कह सकते हैं। फारे मीस होता है ये अरबी उर्दू फारसी अरबी भाषा का शब्द कह सकते हैं। तो मुक्त या खाली, क्या मुक्त या खाली। कंपनी बाग मीस गुलाम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जगह जगह पर बनवाए गए बाग बगीचों से कानपुर में बनवाया गया एक बाग था कंपनी बाग। ठीक है, आइए चलते हैं अब आपके पाठ पर, है ना। उसके बाद हम इसको अच्छी प्रकार से अब समझ पाएंगे और क्या है इसका अर्थ को, इसके भावार्थ को भी समझ पाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लेखक की। तो लेखक कौन है, वीरेन डंगवाल जी। और कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताएं कि यहाँ जो वीरेन डंगवाल जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। चलते हैं पाठ पे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, और इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है दो बार। प्राचीन काल में जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि
जो भी युद्ध आदि लड़े जाते थे तो वहाँ पर तोप आदि बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण कार्य किया करती थी। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हैं कि खानवा का जब युद्ध हुआ था तब 1526-27 ईस्वी में महाराणा सांगा और कौन था बाबर के मध्य, तब क्या हुआ था तो बाबर के पास तोप थी तो वह उन तोपों से ही क्या है उस युद्ध को जीत पाता है, वरना वह राणा सांगा से जीतता युद्ध न जीत पाता है ना। तो तोपों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी प्रकार से एक तोप थी जो कि कंपनी बाग में रखी हुई थी, अर्थात कंपनी बाग जो था उसके मुहाने पर कह सकते हैं रखी हुई थी, और घर रखी गई यह 1857 की तोप थी। अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब आदि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार तो उस तोप के माध्यम से ही उन्होंने 1857 की क्रांति को सफल बनाया था। तो इसकी होती है बड़ी संभाल, अर्थात 1857 की जो तोप है आज भी अच्छी प्रकार से संभाल करके रखी गई है, और जो कि हमें इस प्रकार से मुझे एक विरासत के रूप में, अर्थात कह सकते हैं पुरानों या पुराने लोग जो थे उनकी जो पूर्वजों की जो धरोहर है वह आज हमें प्राप्त हुई है कंपनी बाग की तरह। अर्थात साल में चमकाई जाती है 2 बार, जो कि कंपनी बाग में रखी हुई है और उसको क्या है अच्छी प्रकार से देखभाल उसकी की जाती है, और साल में 2 बार उसको चमकाया भी जाता है। कह सकते हैं जो लोहे की जो होती है तो उस पर जंग आदि लग जाती है, तो उसको जंग आदि से छुड़ाने या बचाने के लिए उसको साल में 2 बार उसकी सफाई की जाती है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, और उन्हें बताती है यह तो क्या बताती है कि सुबह शाम अनेक लोग जो हैं कंपनी बाग में उसको देखने के लिए आते हैं, और उन्हें यह बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के बच्चे अपने जमाने में। अर्थात तो वह बताती है कि मैंने क्या है वह महसूस कराती है लोगों को कि यह जो तोप थी उसने क्या है अच्छे अच्छे जो सूरवीर हुए राजा महाराजा लोग जो थे जिन्होंने कि भारत पर आक्रमण किया, भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो ऐसे सूरमाओं ऐसे वीरों की धज्जी उड़ा दी थी उस जमाने में। किसने उस तोप के माध्यम से, किसने भी हमारे जो 1857 के क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने। तो अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, अगर यह फारिग हो, फारिग का अर्थ अभी आपने आपको बताया था क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। तो अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप, क्या करती है गपशप। तो अब उसका हाल इस प्रकार से हो गया है क्या है कि छोटे लड़के उससे खेलते रहते हैं, अर्थात वह बाग में जब रखी हुई तो विभिन्न प्रकार की क्या है चिड़िया आकर के उस पर बैठ जाती हैं और अपनी गपशप में लगी रहती हैं, और उसी प्रकार से जो शैतानी करते रहते हैं क्या है अनेक प्रकार के पक्षी बच्चे आदि उस पर चढ़ चढ़ करके क्या है उसको क्या है उस कह सकते हैं एक तरह से घुड़सवारी के कार्य आ रही है। अब कोई मतलब कि नहीं है, अब एक जगह पर वह रख दी गई है। और वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह, अर्थात तोप चाहे कितनी भी बड़ी हो कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति जब हुई थी तब अंग्रेजों ने जो भारतीय भारतीय लोगों के बीच आकर के क्या है जो ब्रिटिश थे भारत में आकर के अपने पैर जमाने लगे थे है ना, जो आए थे किसी अन्य कार्य के लिए, और क्या है धीरे 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 उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, भारत के ऊपर राज्य करने लगे थे। तो यह तोप उस प्रकार के संकेत देती है कि धीरे धीरे ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी तोप हो चाहे कैसा भी मनुष्य हो क्या है एक दिन उसका अंत होना ही है, कैसा भी अत्याचारी क्यों ना हो जैसे ब्रिटिश आए तो उन्हें एक दिन भारत से दूर भगा करके ही लोगों ने दम लिया, उसी प्रकार से जो बड़ी से बड़ी तोप होती है तो उसका भी एक दिन मोह बंद करना ही होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या है आतंक फैलाती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है
विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी हम आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे देंगे, साथ ही वीडियो भी टेलीग्राम चैनल पर और आपके अपने चैनल एसएस नॉलेज पर प्राप्त होगी आपको। साथ ही वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।